नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपने अभी जिनको देखा है, अगर मैं कहूं कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज के अंदर पिछले 10 साल से हिंदी के प्रोफेसर हैं, तो शायद आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हुआ था जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी। क्योंकि हिंदी के प्रोफेसर सिक्स पैक एब्स के अंदर कॉलेज नहीं जाते। लेकिन देखिए, डॉक्टर प्रेम सर जो है वो बिल्कुल अलग इंसान है, वो एक मल्टी टैलेंटेड इंसान है, आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। आप अब तक सोचते होंगे कि हिंदी के प्रोफेसर कुर्ता पहनकर झोला लटकाकर हर रोज कॉलेज जाते हैं, लेकिन प्रेम सर आपके इस सिनेरियो को बिल्कुल ही चेंज करके रख देंगे। एक बड़ी समस्या ये है कि लोग मेरे से हमेशा ये पूछते हैं कि आप हिंदी के प्रोफेसर हैं। मुझे भी बड़ा अचंभा होता है, क्योंकि जब मैंने लोगों से इसका आंसर जानना चाहा तो वो लोग कहते हैं कि हिंदी का प्रोफेसर बड़ा ट्रेडिशनली सा और झोला छाप टाइप से, झोला लटका के आता है वैसे करके। तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअल में ये वाला जो बना हुआ है हिंदी के प्रोफेसर के लिए, वो पूरा का पूरा एटीट्यूड ही चेंज करना चाहता हूँ। इसलिए मुझे बड़ा पसंद है कि मैं फिट भी रहूँ, मस्त रहूँ। मेरे बारे में बताने की बात मैं अगर कहूँ तो मुझे लगता है कि अभी मैं उस दहलीज पर नहीं पहुँचा हूँ जहाँ मैं अपने बारे में बात कर सकूँ। राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से इंटीरियर गांव में मैंने जन्म लिया, और इतना ज़रूर कहूँगा कि वहाँ जन्म लेने के बाद मैंने एक सपना देखा अपने जीवन को लेकर। शायद उस सपने को पूरा करने की जिद में मैं देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में आज पढ़ा भी रहा हूँ, और देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ खेल के माध्यम से, जो आप मेरे इस वीडियो में देखेंगे भी। मुझे नहीं पता ये सपना मेरा कब पूरा होगा, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं मेरी तरफ से भरसक हार्डवर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और मेरी जिद है कि एक दिन मैं अपने पैशन को, अपने सपने को पूरा करूँ। इसके अलावा देखिए सर, पढ़ाने के अलावा जिम जाते हैं, जिमनास्टिक करते हैं, बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप हर चीज़ करते हैं, वुडबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। फुटबॉल नहीं, वुडबॉल, इस गेम के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो वुडबॉल के सर इंटरनेशनल प्लेयर हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, अब तक 5 से ज़्यादा कंट्रीज़ में जा चुके हैं, एशियन बीच गेम्स इन्होंने खेले हैं, बहुत सारे गोल्ड मेडल्स इनके पास हैं। ये एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, कुल मिलाकर ये मान लीजिए कि ये हर चीज़ करते हैं जो एक हिंदी का प्रोफेसर बिल्कुल नहीं करता, खासकर PhD करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैं एक शेर पढ़ा था बचपन में और आज तक मुझे याद है, ऐ बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त के बदलने में। चलिए अब सर से वो डायलॉग बुलवाया जाए जो मेरा डायलॉग मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। इस सेंटेंस से आप परिचित भी होंगे और अब मुझे भी आदत लग गई, इनफैक्ट मैं क्लास में भी जाता हूँ तो यही बोलता हूँ बच्चों से, नमस्कार कैसे हैं आप सब। देख रहे हो, मतलब हंसराज के प्रोफेसर्स भी मेरा डायलॉग क्लास के अंदर बोलते हैं। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट से लेके और कॉलेज तक मैं राजस्थान से ही मैंने कंप्लीट किया है। देन दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे हमेशा से बड़ा अट्रैक्ट करते रहे हैं, तो मैं कॉलेज MA के लिए दिल्ली में आ गया। MA मैंने हिंदू कॉलेज से किया,
बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, कैंपस की रंगीनियाँ देख के, कैंपस की ज़िंदगी देख के, आप लोग डेली देखते होंगे। फिर मैंने एमफिल किया, पीएचडी किया, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया, पीएचडी मेरा फैशन पे है। और फिर मैंने हंसराज कॉलेज ज्वाइन किया। हंसराज कॉलेज में पढ़ाते हुए मुझे 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। कई बार बड़ी दुविधा होती है जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ, तो आज भी लोग ऐसा समझते हैं कि टीचर है कि स्टूडेंट। तो ये भी बड़ा एक अंदर से मुझे खुद को भी बड़ा अच्छा भी लगता है कभी कभी कि चलो ऐसा तो लगता है कम से कम, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जान पाते कि मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए। और मैं अक्सर देखता हूँ कि जब सर कॉलेज के अंदर एंटर करते हैं तो एक तरफ चलते हैं सर और दूसरी तरफ चलते हैं कॉलेज के हैंडसम लड़के, और सारा का सारा अटेंशन मिलता है सर को। कॉलेज के लड़के सोचते हैं अरे यार फिर से कहाँ से आ गए सर। एनीवे सर तो मजाक की बातें थी, सच ये है कि सर जहाँ से लेकर जहाँ तक पहुँचे हैं वो एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है यूथ के लिए। तो चलिए सर से पूछते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के यंग जनरेशन को। यूथ के लिए तो मैं एक शेर कहूँगा, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी घर मिली तो नौजवानी फिर कहाँ। तो इस नौजवान पने को, अपने को बनाए रखो और भरपूर जियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सर का इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया है और मेरा भी इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हम लोगों को वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक छोटी सी खुशखबरी और है कि आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर सर और मैं एक साथ काम करने वाले हैं, तो आपको और भी वीडियोज़ देखने का मौका मिलेगा। तो शुक्रिया।